भगवान यीशु मसीह का अवतरण का दिन होता है, जिस दिन उन्होंने अवतार लिया। और ये अवतार जिन्होंने अंदर बाहर से कुर्बानी की सर्व के हित के लिए, इनका अवतार हमें एक ही बात सिखाता है कि जीवन में अगर तुम अपनी मैं को क्रॉस पे नहीं चढ़ाओगे, ना तुम स्वयं आनंद रूप हो पाओगे, ना ही तुम किसी को आनंद दे पाओगे। ये जो मार्ग है अध्यात्म का, ये कुर्बानी मांगता है। हालांकि हम लोग सोचते हैं बाहर की कुर्बानियां करने की ज़रूरत है, बाहर की कुर्बानी तो बहुत छोटी चीज़ है, वो दुनिया में वैसे भी लोग करते हैं। माँ बच्चे के लिए अपने सुख का त्याग करती है, पिता पुत्र के लिए धन का त्याग करता है, और भी बहुत से त्याग हैं जो संसार में लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। लेकिन अवतार जब आते हैं, वो अपनी मैं को कुर्बान करते हैं, अपनी सुख बुद्धि को कुर्बान करते हैं, अपनी प्रारब्ध से मिले सुखों को भी कुर्बान करते हैं, और हम सबके लिए अपना जीवन जीते हैं। हमको भी अगर वही आनंद पाना है, उसी सुख में आना है, तो ज़रूर हमको अपने अहंकार को गंवाना आना चाहिए। जहाँ भी ये मैं रहेगी, वहाँ से सत्य लुप्त हो जाएगा। जहाँ पर भी अहंकार होगा, वहाँ आनंद नहीं होगा। राशि भले एक है, ऐसे तो राम और रावण की राशि भी एक थी, अहंकार और आनंद की राशि भी एक है, लेकिन रहता दोनों में से एक है। जहाँ राम पहुँच गए, वहाँ रावण का खात्मा हो गया। जहाँ भीतर का आनंद आ गया, वहाँ अहंकार का खात्मा हो गया। जहाँ तक अहंकार को बचाएंगे, वहाँ तक आनंद नहीं पा सकेंगे। यहाँ पर आके ज्ञान दिखाना नहीं है किसी को, लेकिन अपने अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो ज्ञान मैंने सुना है, जो गुरु की बात मैं सुनता हूँ, उस अनुसार मेरा जीवन भी है। एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है। बाहर से तो कोई अहंकार भी दिखाएगा तो आप कहोगे नहीं, मेरे अंदर अभिमान नहीं है, इनकार कर सकते हो। लेकिन जब अंदर से रियलाइज़ होगा, बात तब बनेगी। हमें जो खुद को पता चलता है, वो बाहर किसी को पता नहीं चलता है। हमें खुद को मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। हमें खुद को मालूम पड़ता है कहाँ अभिमान शेष है और कहाँ मस्ती मिटा के बैठे हैं। इसीलिए बाहर किसी से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन अपने अंदर की कहानी अपने आप को पता होती है। ईमानदार भी अपने से बनना है, साफ दिल भी अंदर से बनना है, क्योंकि साफ थी वही दिल तीन जी जड़ें, अच्छी ठाइन दो आसन तड़ें। जब तेरा दिल साफ हो जाता है, भगवान आके तेरे हृदय में अपना आसन जमा लेता है। सबकी बात सुनी हुई है, क्राइस्ट क्वारी माँ को पैदा हुए, यानी जिसका हृदय क्वारा है, हृदय द्वैत रहित है, हृदय वासना रहते, उस हृदय में
जन्म होगा क्राइस्ट का, अवतार का प्रकटीकरण होगा, आनंद प्रकट होगा, जहाँ पर वासना कोई नहीं होगी, द्वैत बुद्धि नहीं होगी, अपनी मैं का कोई संकल्प नहीं होगा, वहाँ भगवान प्रकट होगा। बाहर की परिस्थितियों से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे तो भगवान तबेले में ही प्रकट हो गए, बड़ी बात नहीं है। इससे पता चलता है सिर्फ शुद्ध हृदय की ज़रूरत है, बाहर की परिस्थितियों को भगवान तौलते नहीं हैं। गोपियों के पास बाहर से तो गरीबी है, लेकिन हृदय इतना शुद्ध है कि भगवान उनको भक्ति धन से भरपूर करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं, उनको आनंद देते हैं। साफ दिल वाले को बुलाना नहीं पड़ता, पर साफ दिल वाले के पास भगवान स्वयं चल के चला जाता है। साफ दिल वाले का भगवान दरवाज़ा खटखटा के चला जाता है, उसको बोलता है मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा तेरे पास। जब क्राइस्ट एक बार गए कहीं पर, किसी भगत के यहाँ गए थे, भीड़ आ गई बहुत, अब सब उनका दर्शन करना चाहते थे, उचक उचक के देख रहे थे। एक बौने आदमी ने देखा, भाई इस भीड़ में हमें तो देखने को नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं मिल पाएगा, हम कैसे दर्शन करें, ये तो इतने सब लंबे लंबे लोग और आगे जाके खड़े हो गए, मैं कैसे दर्शन करूं, मैं कैसे पहुंचूं। उसको युक्ति आ गई, जहाँ क्राइस्ट खड़े थे पास में एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से उसने अपने भगवान का दर्शन किया। अचानक क्राइस्ट की नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि कैसा आला भगत है, कैसे युक्ति कर ली दर्शन करने के लिए, कैसे हमारे पास आना चाहता है, दर्शन पाना चाहता है, कितना भाव है इसके अंदर। क्राइस्ट ने वहीं खड़े खड़े उसको आशीर्वाद दिया, मैं तेरे घर आऊँगा, मैं तेरे पास आऊँगा। तो कब नज़र पड़ी, जब उसका दिल साफ था, उसके अंदर प्रेम था भगवान के लिए, अवतार के लिए, युक्ति करके दर्शन करना चाहता है, नज़दीक जाना चाहता है, तो भगवान की नज़र पड़ गई और उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो ऐसे जब दिल हमारा साफ होता है तो भगवान प्रकट होता है। अच्छा अवतार प्रकट भी हो जाए पर दिल साफ ना हो तो भगवान के करीब नहीं जा सकते, कभी पहचान नहीं सकते, कभी पहचानने के बाद भी वो सुख नहीं ले पाते जो गोपियों ने लिया, जो राधा ने लिया और भक्तों ने लिया। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि अंदर का अभिमान नहीं मरता। भगवान के लिए उत्साह, भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए शौक, ये सब तभी जागता है जब अपना अभिमान मरता है। जब किसी के अंदर अपना अभिमान जीवित होगा, उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं जागेगा, शौक नहीं जागेगा, उस मुख से भगवान की महिमा भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि उसके अंदर अहंकार बैठा है। अहंकार कहेगा मेरी प्रशंसा हो, मेरी महिमा हो, मेरे को सब जाने, मैं अपना ज्ञान प्रकट करूं, नहीं कर पाएगा महिमा, क्योंकि अभिमान कंठ पे आके बैठ जाता है। अभिमान बैठा है तो भगवान नदारद है, भगवान की महिमा नदारद है, उसके मुख से भी महिमा नहीं निकलेगी,
उसके जीवन में भी सेवा भाव नहीं होगा, क्योंकि अभिमान आके बैठा है। और जब ही अभिमान विदा होगा तो भगवान स्वयं चल के अपने भक्त के पास आता है, दर्शन देता है, निहाल करता है, खुश करता है और अपने भक्त को तार देता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर अभिमान होगा तो हृदय दूषित है तुम्हारा, वो तबेला भी शुद्ध है जहाँ शुद्ध भगत रहता है। भगवान ने उस तबेले को चुन लिया, तीर्थ हो गया वो, मंदिर हो गया वो, देवकी बैठी है जहाँ, वसुदेव बैठे हैं जहाँ, वो जेल भी तीर्थ हो गया। अभी लोग जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। क्या दर्शन करने जाते हैं? स्थान है वहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने स्थान क्यों चुन लिया? कोई राजमहल चुनते, कोई हीरों से जड़ा हुआ पलंग चुनते, अपने भक्त को पहले ही दुनिया से अलग कर दिया। बल्कि शुद्ध हृदय भक्त संसार से अछूता हो जाता है, ना वो दुनिया के साथ चल सकता है, ना दुनिया उसको साथ लेके चलना चाहती है। अलग हो जाता है भगत और वो अपना एकांत में जाके बैठ जाता है और भगवान उसको मिलने वहीं पर आते हैं। नहीं तो जेल में अवतार हुआ तो कहीं तबेले में अवतार हुआ, हैरानी की बातें नहीं हैं। लेकिन जहाँ मेरा भगत है मैं वहाँ पर हूँ। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं कि मेरे को क्या मिल रहा है, पलंग मिल रहा है, हीरा मोती मिल रहा है, या मेरे को गाय का जो चारा तूड़ी रखी रहती है उसका बिस्तर मिल रहा है, इसका भी उनको कोई मलाल नहीं है। पर उनको शुद्ध हृदय भक्त चाहिए। जब किसी का हृदय शुद्ध है भगवान उसके पास है। भगवान को ढूंढना हो कहीं और मत जाना, जहाँ उसका शुद्ध हृदय भक्त बैठा हो तुम्हें भगवान वहीं मिल जाएगा, वहीं बैठा होगा वो, वहीं बैठ के अपनी लीला कर रहा होगा वो, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पहुँच जाते हैं कुब्जा के घर। क्यों पहुँच जाते हैं? कुब्जा का हृदय शुद्ध है, सारे उसका कर्म देखते हैं। ये तो दातुन करती करती खिचड़ी बनाती है, साफ नहीं है रसोई इसकी, और भगवान उसके घर जा बैठते हैं। कर्मा तू खिचड़ी बना, मैं खाऊंगा, क्यों चले गए? सच्चे दिल पर साहिब राजी। साहिब राजी किस पे होते हैं? जब किसी का दिल सच्चा होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, भक्ति वाला होता है, अंदर से खींच होती है किसी की। जब अपने रसों की खींच ना होगी तो भगवान के लिए खींच होगी, आकर्षण होगा। तुम्हारे हृदय में मैग्नेटिक पावर है। हालांकि तुम ये कहते हो चुंबकीय शक्ति भगवान के अंदर है, पर तुम देखना जो शुद्ध अंतःकरण वाले भगत हैं, चुंबकीय शक्ति उनके अंदर होती है और वो बड़े आराम से, बड़े नाज से, बड़े कॉन्फिडेंस से एक बात कहते हैं, प्रभु बंधे हुए खिंचे हुए चले आएंगे। भगवान आएंगे बंधे हुए खिंचे हुए आएंगे, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है। चुंबकीय शक्ति भगवान के पास तो है ही, वो हमें खींचता है, हमें शुद्ध करता है, निर्विकार करता है। लेकिन उसके बाद ये चुंबकीय शक्ति भक्तों के अंदर भी आ जाती है जो भगवान को खींचते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को भगत ने खींच लिया, घोड़ा मुड़ गया उनका, हैरान हो गई आज घोड़ा कहाँ जा रहा है। लेकिन घोड़ा मानने को तैयार नहीं, ठीक है भैया चल जहाँ चलना है। और गए तो देखा भगत तड़प रहा है, याद कर रहा है,
ये शुद्ध अंतःकरण वाला भगत है जो भगवान को खींचने की ताकत रखता है। अगर भक्ति जागी जीवन में, भगवान की लीला ना देखी तो क्या देखा, भगवान से प्रेम की अटखेलियाँ ना की तो क्या किया, केवल भगवान से मतलब पूरा कर लिया, हमने ज्ञान सुन लिया, बहुत हम खुश हो गए, हम भी ज्ञानी हो गए। अरे भगवान मिला कोई छोटी चीज़ थोड़ी मिली है, ये ज्ञान तो शास्त्रों में भी लिखा था। लेकिन भगवान मिलते हैं तो जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, हम उनकी लीला के अधिकारी बनते हैं, अवतार आते हैं, लीला का अधिकार देते हैं। सब उनकी लीला नहीं देख पाते, सब उनकी लीला अनुभव नहीं कर पाते, सबका अंतःकरण भीग नहीं पाता, मुड़ नहीं पाता मन सबका, क्योंकि जहाँ अभिमान बैठा रहेगा वहाँ ये सब नहीं होगा। लेकिन जहाँ अभिमान नदारद होता है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं, अटखेलियाँ करते हैं भक्त के साथ, कभी छिप जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं। खाली ये नहीं कि अर्जुन के साथ खेले थे, सुनी है बात सबने कि भगवान ने लुका छिपी खेली एक दिन। पहले तो अर्जुन की बारी आई, एक मिनट में भगवान को ढूंढ लिया, फिर भगवान की बारी आई, सुबह से शाम हो गई, भगवान अर्जुन को ढूंढ नहीं पाए। अर्जुन हंसने लगा, भगवान आप ढूंढ नहीं पाए, बोला क्या करूं, सब जगह अपना आप दिखता है, अर्जुन अलग है ही नहीं मेरे से। अब चाहे बात छोटी सी है लेकिन अपनी लीला के माध्यम से अर्जुन को अपनी स्थिति बताई, अपनी वृत्ति बताई, अपनी दृष्टि बताई, अपना भाव बताया और अर्जुन के साथ खेले, ये बड़ी बात हो जाती है। जितना भक्त का अंतःकरण पवित्र है, भगवान अपने भक्त के साथ खेलता है, लीला करता है। भगवान अचानक किसी की दहलीज पे जा खड़े होते थे, अचानक किसी को फ़ोन कर देते थे, हम लोग हैरान हो जाते थे, सुबह सुबह घंटी बजती थी, अरे ये तो नंबर गुरुजी का है, फ़ोन उठाओ, भगवान आपने फ़ोन किया, क्यों हम नहीं कर सकते क्या, रोज़ तुम करते हो, आज हमने कर दिया, हमको पता था तुम्हारा टाइम होने वाला है, तुम करोगे, हमने 5 मिनट पहले ही मिला दिया, हमको लगा आज हम बात करें। ये भगवान लीला करता है हमारे साथ, लुका छिपी खेलता है। हमारे दिल्ली में आके एक दिन बैठ गए, खबर आई दोपहर को 2:30 बजे हमारे पास, भगवान दिल्ली आ रहे हैं, कल सुबह सत्संग तुम्हारे पास करेंगे। हम भगवान हैं कहाँ, रहेंगे कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता, भगवान आ रहे हैं तुम तैयारियाँ करो। भाई कितनी तैयारी करनी है, केवल सत्संग की, रहने की, किसकी, बोला हमको भी कुछ नहीं पता, यही मैसेज है तुम्हारे लिए, आ रहे हैं कल तेरे ही पास। ठीक है, आ रहे हैं तो रहेंगे भी सही। हम लोग जो दोपहर से फ़ोन मिलाने शुरू किए, लखनऊ फ़ोन करें तो वहाँ वो लोग बोले भगवान भगवान आज अज्ञातवास में, हम नहीं बता सकते कहाँ हैं। अरे हमको खबर मिली है कल भगवान को आना है, बोला आना है तो तुम तैयारी करो, आ जाएंगे। अरे हम स्टेशन लेने जाएं, एयरपोर्ट लेने जाएं, बोले नहीं कल भगवान आपसे आप प्रकट होंगे, और या फिर तुम्हें रात तक खबर आ जाएगी। रात के 9 बज गए, खबर का कोई नाम निशान नहीं, घर तैयार हो गया, मंदिर तैयार हो गया, सब तैयारियां हो गईं, सब आ गए प्रेमी मिलजुल के, सब ने कर लिया, अचानक रात के 9 बजे घंटी बजी, हम कहाँ हैं आप, बोले हम लखनऊ में। हमने कहा नंबर दिल्ली का है, सही बताइए आप कहाँ हैं, लैंडलाइन से फ़ोन आया था, हमने कहा नंबर दिल्ली का है, सही बताइए आप कहाँ पर हैं, हंसने लगे, कल आएंगे तेरे पास। हमने कहा हमको पहले बताइए आप कहाँ हैं, और बैठे थे आके पहाड़गंज में नई दिल्ली स्टेशन के पास, किसी प्रेमी के रिश्तेदार थे, उनका घर था, वहाँ आके बैठे हुए थे।
हमसे फिर बोलने लगे हो गया सब, हाँ भगवान हो गया, फिर मिलने नहीं आ रहा मेरे को, आ रहे हैं। उसी समय भागे उनके घर में जाके, रात को 11 बजे तक भजन की महफिल लगी, पता चला सुबह सुबह हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो ये भगवान भक्तों के साथ लीला खेलते हैं, अटखेलियाँ करते हैं, प्रेम करते हैं। सिर्फ उनको शुद्ध हृदय भक्त चाहिए, क्योंकि वो अवतार लेते हैं हम सबको आनंद देने के लिए, और उनका कोई पर्पस नहीं। सब कुछ तो दिए बैठे हैं, प्रारब्ध से दिए बैठे हैं, ज्ञान ध्यान भी दिए बैठे हैं, लेकिन ये लीला सुख देते हैं। और आज भी याद करते हैं तो क्यों लगता है कि हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको वो लीला सुख मिला, देखा, उनके साथ साथ चले, कहीं कोई लीला कहीं कोई लीला, कहाँ तो किसी की माँ बन के शादी कराने बैठ जाते थे, कहाँ तो किसी की दुकान में कुर्सी पे चढ़ के सौदे बेचने बैठ जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे कभी कुछ बन जाते थे। कृष्ण की तो 2-3 बातें सुनी राधा के लिए, कभी पनिहारन कभी मनहारन, चलो बन गए, कभी फूल वाली बन गए, लेकिन अपने भगवान को पता नहीं कितने रूपों में देखा हमने, नित्य लीलाओं में देखा, कहाँ भी बैठ जाते थे, कहाँ भी लीला करते थे, कहाँ भी मौज में आ जाते थे। ये सब अवतार की जो लीला है ये हमेशा उसके भक्तों को सुख देती है, अपने को क्रूसीफाई करके भी, मतलब अपने को कष्ट दे के भी हमेशा अपने भक्तों को सुख देते हैं, हमेशा अपने भक्तों को आनंद देते हैं। तुम हर समय एक मूड में नहीं रह सकते, लेकिन भगवान को देखो, सबके साथ हंसना, सबके साथ प्रफुल्लित रहना, सबको खुशी देना, सबको मस्त बनाना, तुम तो थोड़ी देर चुप भी बैठ जाओगे, थोड़ी देर अंतर्मुख भी हो जाओगे। भगवान को देखो, पूरा समय एक से हट दूसरे को, दूसरे से हट तीसरे को, लीला चलती रहती है उनकी। कौन सा रूप नहीं देखा, सब रूप देखे, लीला सुख दिया। क्राइस्ट के 12 शिष्य, उन 12 को चुन के उसने लीला सुख पूरा दिया, भरपूर किया। कृष्ण ने गोपियों को ग्वालों को लीला सुख भरपूर दिया, लेकिन हमारे भगवान ने लाखों करोड़ों को लीला सुख दिया, क्योंकि मनह नहीं होती थी। काम भी चलो, काम भी पहुँचो, देखो भगवान की मौज देखो, और जहाँ बैठो उनकी 10 बातें याद आ जाती हैं कि उनके साथ हम ऐसे गए थे, उनको ऐसे करते देखा था। शादी में चले जाओ तो याद आ जाता है, घर के मुहूर्त में चले जाओ तो याद आ जाता है, किसी दुकान के मुहूर्त में चले जाओ तो याद आ जाता है। कह रहे भगवान के साथ गए थे, हमने ये लीला देखी थी, ये सुख हमें मिला था, आज अवतार को पाया, मतलब ही यही है, हृदय इतना शुद्ध हो कि मेरे और उसके बीच कोई दूरी ना रहे, डिस्टेंस ना रहे। अगर धूल आ जाएगी, कोई पतली सेलोफन भी बीच में आ जाएगी, तो बात नहीं बनेगी। एक गुरु ने बोला शिष्य को, अंदर लोहे की डिब्बी है, उसमें पारस रखा है बेटा, ले आ। शिष्य का दिमाग चल गया, बोला पारस रखा है, लोहे की डिब्बी में रखा है, तो लोहे की डिब्बी सोने की क्यों नहीं हुई, अगर पारस सच्चा है तो। और गुरुजी कह रहे हैं पारस है तो झूठ भी नहीं हो सकता। बेचारा थोड़ी देर तो सोचा, लास्ट में जाके उसने गुरु से ही प्रश्न किया, डिब्बी तो ले गया
बोला गुरुजी मेरे को एक बात बताओ, अगर सच में ये पारसी है, डिब्बी लोहे की कैसे रह गई, सोने की क्यों नहीं हुई? गुरु ने खोल के दिखाया, बड़ी महीन पॉलीथीन एक थी, सेलोफेन शीट दिख भी नहीं रही थी। बोला ये देखिए बीच में बाधा बनी हुई है, तेरे अंदर अगर अहंकार की मैल आ जाएगी वो ऐसे बाधा बन जाएगी, सत्वगुणी अभिमान भी अगर आ गया, मैं भगत, मैं ज्ञानी, मैं श्रेष्ठ, ये भी आ गया तो भगवान के होते हुए भी तू भगवान का स्पर्श नहीं पा सकेगा, और जब तक उनका स्पर्श ना होगा तब तक तू निखरेगा नहीं, कंचन नहीं होगा। उनका स्पर्श पाएगा तो कंचन होगा, जब पारस का स्पर्श पाएगा लोहा, कंचन तो तभी हो सकेगा ना। इसी प्रकार से भगवान का स्पर्श, उनकी लीला का स्पर्श, वो हमें कंचन बनाता है। कुब्जा है, सारी दुनिया के लिए कुरूप है, कमर टेढ़ी है उसकी, लेकिन जो भगवान के संपर्क में आती है भगवान उसका कुबड़ सीधा कर देते। राधा अभिमान कर रही है, मैं सुंदर हूँ इसीलिए भगवान मेरे पास आते हैं। उसका अभिमान हरने के लिए कुब्जा के पास जाके बैठ गए। क्यों बैठ गए? कि मुझे सुंदरता और कुरूपता से कुछ नहीं लेना, और अगर कुरूपता भी है पर मेरे को दिल से प्यार करता है तो मेरे पास उसकी कुरूपता को हरने की ताकत भी है। कुब्जा की कुरूपता हर ली, सुंदर कर दिया उसको, सुहिणी हो गई हो, कुबड़ भी ठीक कर दिया, खूबसूरत भी कर दिया। भले हमारे पास विकारों की कुरूपता होती है पर अगर भगवान से प्रेम हो जाए भगवान सारी कुरूपता हर लेते हैं। आज जो मन इतना सुंदर हुआ, तन भी सुंदर हो जाता है, सबके चेहरे पे आत्मिक नूर आ जाता है, सबके चेहरे खिल जाते हैं। ये सुंदरता किसकी बख्शी हुई है? ये भगवान की बख्शी हुई है, गुरु की बख्शी हुई है। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखाया, हंसना सिखाया, प्रेम दिया, शुद्ध किया, क्या क्या डाल दी सौगात, सबकी कुरूपता तो हर ली। मन कितना कुरूप था सब जानते हैं, अंदर से कैसे मैला था, कैसा अज्ञान था। आज तुम पूरा पूरा दिन अपने अंदर देखो, क्या एक विकार भी आता है, क्या एक ख्याल भी आता है, क्या कभी तुम्हारा मन मलिन भी होता है? सारा दिन भगवत विचार है, पूरा पूरा दिन, दिन क्या, दिनों के दिन, महीने, साल कैसे शुद्धि से बीतते हैं। किसी के लिए कोई ख्याल ही नहीं आता मन में, कोई गलत विचार ही नहीं आता, कोई बदले की भावना, कोई राग, कोई द्वेष, कोई विषय, कोई विकार, कैसे खाली हो गया अंदर से, कैसे सुंदरता दे दी भगवान ने। आज तुम खुद कह सकते हो मेरा मन सुंदर है, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? अगर अभी हम तुम्हें पूछें हाथ उठाओ किसका मन सुंदर है, तुम सब हाथ उठाएंगे, हमको मालूम है, क्योंकि भगवान की शरण में आके सबका मन साफ हो गया, सुंदरता बख्श दी ना भगवान ने सबको। तो कुबड़ थे विकारों के, कौन सा विकार नहीं था, कौन सी मैल नहीं थी, लेकिन आज कृपा भगवान की, कष्ट उठाए तूने पर लाखों जीवन समर गए।
क्राइस्ट की तरह कुर्बानी उन्होंने की, कष्ट उठाए, लेकिन लाखों जीवन समर गए, समर गए सबके जीवन, दुख दूर हो गए, मैल दूर हो गई, विकार दूर हो गए, शुद्ध हो गया अंतःकरण। तुम देखो आज इतने तुम छोटी छोटी उम्र में आते हैं, तुम्हारे चेहरों पे जो नूर है भगवान का, संसार के बच्चों के चेहरे पे है, कैसा नूरानी चेहरा हो जाता है गुरु के प्रेम में, कैसी हंसी निर्मल हो जाती है, खनक आ गई है आवाज़ में, हंसी भी निर्मल हो गई है, प्रेम आ गया अंदर, मैल चली गई अंदर से। हमसे भी गारंटी नहीं मांगोगे, तुम खुद गारंटी दे सकते हो कि भगवान ने मुझे भी सुंदर बनाया। उसको कहते हैं सुंदरी, लोग उसको बोलते हैं कुब्जा, और ये बोलता है उसको सुंदरी, लोग हैरान हो गए, ये सुंदरी है क्या, सुंदरी बोल रहा है उसको। और थोड़ी देर में सबने देखा भगवान ने सुंदरी कह दिया तो सुंदर होएगी होएगी, नज़र पड़नी चाहिए, नज़र पड़ गई, संकल्प कर दिया किसी के लिए सुंदरी, सुंदरी हो गई, गुरु की नज़र पड़ गई, कृपा की उसने, तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, बना दिया, नज़र पड़ गई गुरु की, कह दिया तुम्हारे विकार हरूंगा, हर लिए, तुम्हारे ताप हरूंगा, हर लिए, तुम्हारे अंदर के राग द्वेष खत्म करूंगा, कर दिए। यही तो अवतार की सबसे बड़ी कलाकारी है, बिना बताए, कभी शब्द से, कभी स्पर्श से, कभी कैसे कभी कैसे, वाणी से तारता है हमें, संकल्प से तारता है हमें, स्पर्श से तारता है हमें, यही तो बड़ी बात है। रामकृष्ण परमहंस जब बीमार थे, एक दिन खुद ही काली माँ के आगे जाके कहने लगे, मैं नहीं छूऊंगा आप किसी को, जब मेरे अपने शरीर में ताकत नहीं है, मैं जिसको छूता हूँ मेरे अंदर तो उसकी मैल आ जाती है और मेरे सारे प्योर वाइब्स उसके अंदर चले जाते हैं, अगला तो शुद्ध हो जाता है और मैं कितना कष्ट पा रहा हूँ। उसकी जब ये बात पढ़ते हैं, बड़े मार्मिक तरीके से उन्होंने ये बात बोली हुई है, जब उनकी लीलामृत पढ़ो, कुछ पढ़ो, उसमें ये बात आती है, तो उस समय समझ आता है, हमें पता नहीं चलता। गुरु का स्पर्श जब जब हमें मिलता है, पता नहीं अंदर क्या क्या डाल देता है, कैसे हमें पवित्र कर देता है, कैसे हमारी नेगेटिविटी ले लेता है और कैसे हमें पॉजिटिव कर देता है। दादाजी ने लिखा है, वन टच वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज एनफ टू शो यू गॉड। एक दृष्टि, एक स्पर्श गुरु का, वो तुम्हारी मैं गुम करने के लिए काफ़ी है, तुम्हारे अंदर के विकार हरने के लिए काफ़ी है, तुम्हें पॉजिटिव बनाने के लिए काफ़ी है। यही तो हुआ, हर अवतार ने हमको तारा, जीवन दिया। हमको नहीं समझ आता हम गुरु के पास बैठे हमको कब क्या मिला, लेकिन अचानक जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन समझ आती है। बड़ी बात ये है, गुरु के पास बैठते बैठते एक समय जाके अनुभव होता है हमारे अंदर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, परिवर्तन आ गया, बदलावट आ गई। हम ऐसे थे नहीं जैसे आज हम हो गए।
कल भी एक बच्चे का मैसेज आया, बाहर रहते हैं पढ़ते हैं, बोला कि हम ऐसे थे नहीं, अचानक परिवर्तन घट गया, हम सबके साथ एडजस्ट करना सीख गए, रहना सीख गए। बोले ज़िंदगी में पहली बार कहीं कॉलेज वाले ले गए होंगे बाहर, तो बोले मैंने पब्लिक बाथरूम यूज़ किया। बोले मेरे को बाद में विचार चला, हम तो ऐसे नहीं थे, नफ़रत कहाँ चली गई, वो मैं कहाँ चली गई, वो अहंकार कहाँ चला गया। बोला फिर हमको समझ में आया कि अचानक कृपा हुई है गुरु की, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। सतगुरु अट्रैक्ट्स, इंस्पायर्स एंड देन ट्रांसफॉर्म्स। क्या करता है गुरु? आकर्षित करता है। दुनिया के लोग भी आकर्षित करते हैं, लड़का लड़की को आकर्षित करता है, पति पत्नी को आकर्षित करती है, लेकिन वो सब अपने सुख के लिए। उनके अट्रैक्शन के पीछे भोग होता है कि मैं इसको आकर्षित करूं, ये मेरा बने और मैं इसको भोग लूं, मैं इससे सुख ले लूं। पर गुरु के आकर्षण करने के पीछे क्या चीज़ होती है? सतगुरु भी अट्रैक्ट्स लेकिन इंस्पायर्स। संसार वाले भी उकसाते हैं, पर उकसाहट किस चीज़ की कि ये मेरे को समर्पण कर दे? उकसाहट किस चीज़ की ये तैयार हो जाए मेरा शिकार बनने को? गुरु इंस्पायर्स। क्या इंस्पिरेशन है गुरु की? आई एंड माई फादर आर एवर वन, ये इंस्पिरेशन गुरु की है। यू आर सन ऑफ गॉड, ये इंस्पिरेशन गुरु की है। मोही तोही तोही मोही, अंतर कैसा, ये इंस्पिरेशन गुरु की है। ना तू मुझसे जुदा ना मैं तुझसे जुदा, तू और नहीं मैं और नहीं, ये इंस्पिरेशन गुरु की है। शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी, ये इंस्पिरेशन गुरु की है। अरे तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू पवित्र है, मायामल रहत है, ये इंस्पिरेशन गुरु की है। दुनिया में इंस्पिरेशन ऐसी कोई देगा? नहीं देते हैं। तो एक दूसरे को उकसाते हैं, मन ही मन में तैयार करते हैं कि अब ये मेरा शिकार बन जाए, मेरी वासना पूर्ति हो जाए, मैं भोग लूँ इसको। पर गुरु की इंस्पिरेशन देखो, वो पूरा टाइम हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत हो जाएं। ये गुरु की इंस्पिरेशन। तुम्हें एक एक विकार से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर करता है, तुम्हारे अंदर की मैल हटाने के लिए तुम्हें इंस्पायर करता है, तुम्हारी कमजोरियों को हटाने के लिए तुम्हें इंस्पायर करता है। अरे मेरा बच्चा होके तू डरता क्यों है? मेरा बच्चा होके तू घबराता क्यों है? मेरा बच्चा होके तू दिल छोटा क्यों करता है? अरे मैं हूँ ना, ये इंस्पिरेशन है उसकी। कितनी प्यारी इंस्पिरेशन कि एक उनका आसरा मिलने के बाद दुनिया के सब झूठे आसरे छूट जाते हैं। कितनी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन। दुनिया में मिले इंस्पिरेशन, मिल गया लड़का, मिल गया, मायका छूटा? नहीं, मायके का आकर्षण तो बना रहता है, अपनी सहेलियों का आकर्षण तो बना रहता है, अपने शौक अपनी चीज़ें तो चाहिए ही होती हैं। पर कमाल देखा है, भगवान एक बार इंस्पायर करे, गुरु इंस्पायर करे, क्या स्थिति हो जाती है। सब छूटा है तो छूटे, मायका छूटे, ससुराल छूटे, पदार्थ छूटे, दुनिया छूटे, कोई चाहिए ही नहीं।
ऐसी इंस्पिरेशन तो कोई ना दे सका जिसमें अपने तन मन से बेपरवाह हो जाएं, अपने अंदर के सब विकार दूर हो जाएं। और लास्टली क्या करता है, ट्रांसफॉर्म्स, परिवर्तित कर देता है। कैसा परिवर्तन? जीव आए थे, ब्रह्म हो गए। सन ऑफ मैन आए थे, सन ऑफ गॉड हो गए। कमजोर आए थे, बहादुर हो गए। डरते हुए आए थे, निर्भय पद पे बैठ गए। दुखी आए थे, खुशियां बांटने वाले बन गए। ढूंढना नहीं पड़ता सेंटा क्लॉज। मन करेगा आज हम भी कोई जुराबें टांग दें, सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट दे जाएगा। अरे गुरु ने ऐसी गिफ्ट दी कि अब तो गिफ्ट हम बांटते हैं, कमाल हो गई। कोई सेंटा क्लॉज किसी को सेंटा क्लॉज नहीं बना पाया, बल्कि भिखारी बना दिया। हर साल जुराबें टांगना, हर साल मांगना। पर यहां गुरु की कमाल देखो, सारे खुटैले फकीर बादशाह हो गए, बांटने वाले, देने वाले। किसी के घर जाना हो, हम बोलते हैं घर छोटा है, अगले को मना कर दो कि हम लोग थोड़े लोग आ जाएंगे। कहते हैं नहीं, हमें सबको बुलाना है, हमें सबको खिलाना है। ये सारे फकीर बादशाह हुए पड़े। शहंशाह कहाँ रोते रहते थे, है नहीं है नहीं। अब इतने बड़े बड़े यज्ञ करना चाहते हैं, जगह नहीं है, तो कहते हैं हम हाल बुक करेंगे। पर आप आइए, सबको लेके आइए, हम मंदिर बुक कर लेंगे, हम हाल कर लेंगे। पर आए सब हमारे पास, सब आए, सब खाएं, सब मौज करें। कहाँ तो अज्ञान में इतनी गंदी आदतें थीं, अपना बुखार देने से भी डरते थे किसी को। कंजूसी की तो ये मिसाल थी ना, कि मैं तो अपना बुखार ना दूं किसी को। अब तन मन धन लुटाना सीख गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन गुरु की कृपा, इतना बड़ा बदलाव आ गया, सब परिवर्तित हो गए अंदर से। खड़े हो जाओ कभी आईने के सामने, देखो क्या तुम वो हो। बल्कि शर्म आएगी वो याद करके, हम कैसे थे, अगर ना मिलते सतगुरु हमारी हालत क्या होती। कृपा देखो भगवान की। लेकिन इतने सब के पीछे एक चीज जरूर पहचानना, कि अवतार अपने को कैसे शूली चढ़ाता है, कैसे हर समय उसको सहना पड़ता है। हमें भी सहता है, हमारे मनों को भी सहता है, हमारे विकारों को भी सहता है, हमारी गलतियों को भी सहता है, हमारे रिश्तेदारों को भी सहता है, हमारे समाज को भी सहता है। कितना उसको सहनशील होना पड़ता है। गुरु की कुर्बानी हमेशा याद रखना। अगर गुरु की कुर्बानी भूलोगे तो अहंकार आ जाएगा, सोचोगे मैंने शायद कुछ पाया है, मैंने कुछ खोजा है, मैंने कुछ किया है। लेकिन नहीं, बच्चा पला, पैदा हुआ, उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जब तक वो बड़ा हुआ, सहने वाला, दर्द वाला सारा समय तो माँ बिता चुकी थी। तुम्हें तो जब तक ज्ञान समझ आता है, होश आता है, गुरु वो सारा समय पार भी कर चुका होता है। तुम्हें यहाँ बिठाना, तुम्हें शुद्ध करना, तुम्हारे विकारों की मैल हटाना, तुम्हारे संस्कार बदलना, सबसे बड़ा काम है दुनिया में किसी के संस्कार बदलना, किसी का ट्रैक चेंज करना सबसे कठिन काम है, ट्रैक बदलना किसी का। और गुरु ये काम बखूबी करता है, हमें भी पता नहीं लगने देता, क्योंकि हमें दर्द हो तो हम भाग जाएंगे, हम क्यों बैठेंगे। और अवतारों का एक और बड़ा दिल देखना, हर अवतार को इनाम ऐसे ही मिलते हैं जैसे क्राइस्ट को मिले, इनाम ऐसे ही मिलते हैं। कभी उनको शूली चढ़ना पड़ता है, कभी चंद सिक्कों के लिए, किसी को प्रशंसा के सिक्के, किसी को धन के सिक्के,
गुरु के नाम से ही मुकुर जाते हैं, गुरु का ही सौदा कर देते हैं। अवतारों को यही नाम मिलते हैं, उसके बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारते, मने नहीं करते, दर पे आने वाले किसी को धक्का नहीं देते, जाओ लोगों ने तो ऐसे किया। क्राइस्ट ने भले एक श्राप दे दिया यहूदियों को कि तुमने अवतार की ऐसी दुर्दशा की, अब तुम्हारे जात में कभी अवतार नहीं आएगा, लेकिन इतना होने के बाद भी किसी अवतार ने इनकार नहीं किया। आज भी देखा हम लोगों ने गुरु के जीवन में उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिले, बहुतों ने अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना सत्संग बना लिया, अपने अपने बन गए, बदनामी भी दी, किसी ने गलत भी बोला, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत देखो, फिर जो नया आता है फिर उस पर विश्वास करके मेहनत करने लगते हैं। तुम तो कहोगे दूध का जला छाछ भी फूंक के पिए, अवतार को देखो छाछ से भी जलन मिलती है तो भी दूध नहीं फूंकते, बिल्कुल विपरीत बात है, जलाया तो छाछ ने उनको, लेकिन फिर भी दूध पे भी एतबार कर लेते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, तुमसे एक बार धोखा हो जाए तुम सबसे एतबार निकाल दोगे, लेकिन अवतार को देखो फिर एक नया एतबार, फिर हर आने वाले पे एक नया विश्वास, फिर हर एक से मेहनत, फिर हर एक को गले लगाना, फिर हर एक को प्यार करना, फिर सबके उद्धार के लिए बैठना। जानते हैं सामने आने वाला हर एक शुद्ध भाव लेके नहीं आ रहा, कोई मन में मैल भी लेके बैठा रहता है, कोई शंका भी लेके बैठा रहता है, उसके बावजूद भी सबको एक दृष्टि से देखना, सबको प्यार करना, सबके लिए अच्छी भावना रखना, ये कितनी बड़ी एक बात है। आज जो भूलें हम करते हैं अगर किसी ने हमारे प्रति की हो, शायद हम नज़र उठा के भी ना देखें, लेकिन कभी गुरु की बढ़ाई देखो फिर गले लगाता है। कितना कोई गलत व्यक्ति हो फिर मुस्कुरा के मिलता है, फिर प्यार करता है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा आज के बाद नहीं करना, अच्छा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। कितनी बड़ी बात है, कभी विचार करके देखो। और सब देह की कब्र में पड़े थे, क्राइस्ट के जीवन की बात आती है, वो एक बार कहीं गए हुए थे, वापिस आए तो खबर मिली उनका एक शिष्य लेदरर्स, सबने बताया लेदरर्स मर गया और हमने उसको दफना दिया। क्राइस्ट कहने लगे मेरा भगत मर नहीं सकता है, जैसे गीता में भगवान ने बोला मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। क्राइस्ट भी कहने लगे मेरा भक्त नहीं मर सकता है। गए कब्र के पास, लेदरर्स कम आउट, लेदरर्स कम आउट, लेदरर्स आ गया बाहर। लोग मानते हैं करिश्मा हुआ, लेकिन सच है ये सब देह की कब्र में पड़े थे। गुरु आवाज देता है, आवाज दे के हमें जागृत करता है, हमारी सोई शक्तियों को जागृत करता है और कहता है कम आउट, और जो उनकी आवाज सुन लेता है वो इस देह के कब्र से बाहर आ जाता है और महाआनंद में आ जाता है। सब कहते हैं गुरु ने जीवन दिया,
देह की कब्र से बाहर निकाला और एक सच्चा जीवन दिया, जिसमें देह के धूल नहीं, देह के विकार नहीं, लेकिन तुम शुद्ध स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जागती ज्योत, ये गुरु की कृपा। अगर वो स्वयं को क्रॉस पे ना चढ़ाएं, हम सबको जीवन ना दे पाए, लेकिन वो हमेशा कुर्बानी का पुल बनते हैं, तो जाके हम सबको जीवन मिलता है। हमेशा वो अपने आप को शूली पे चढ़ाते आए हर युग में। जब जब अवतार धारण किया भगवान ने, बाहर की शूली तुम्हें तो एक बार दिखी, लेकिन आजीवन अवतार अपने को शूली पे टांग के ही चलते हैं। तुम्हारी परीक्षा कभी कभार होती है, अवतार की तो हरदम परीक्षा है, हर पल परीक्षा है। जितनी मर्जी श्रद्धा दिखाओ, अंदर अंदर तुम परखते हो। जितना मर्जी तुम प्यार वाले बनो, अंदर अंदर तुम संशय रखते हो। अपने गुरु की परीक्षा से भी पास होता है, तुम्हारी परीक्षाओं से भी पास होता है, प्रकृति की परीक्षाओं से भी पास होता है। कितनी परीक्षाओं से अवतार गुजरता है जिसका कोई लेन देन नहीं, कोई कर्म का हिसाब नहीं, हम सब के खातिर उसको इतना कुछ अपने ऊपर लेना पड़ता है। चलो मां सहती है, उसको बच्चे से स्वार्थ तो है, अवतार क्यों सह रहे हैं? क्योंकि उनका प्रेम का स्वभाव है, निष्कामता का स्वभाव है, सबको खुशी देने का स्वभाव है। सिर्फ इसलिए वो अपने आप को कुर्बान करते जाते, अपने आप को बदलते जाते। जैसे प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है, बेचारी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक पहुंचती है बच्चों के साथ, फिर दोबारा फर्स्ट में आ जाती है। हम सबके साथ अवतार की यात्रा चलती है, एक को मंजिल पे भी खड़ा कर लिया और एक आ जाए, फिर आ जाने वाले के साथ फिर चलेगा, पुनः यात्रा आरंभ। एक एक के साथ यात्रा करना, एक एक के साथ फिर उन परीक्षाओं से गुजरना, कितनी बार कसौटियां। आजकल हॉलमार्क गोल्ड चल गया, पहले सोना हर बार बेचते हुए खरीदते हुए परखा जाता था, आजकल एक बार परीक्षा हो जाती है, उसकी कसौटी पार हो गई, अब सर्टिफिकेट मिल जाता है हॉलमार्क, नहीं परखा जाएगा। युगों के युग बीत गए, कोई हॉलमार्क का ठप्पा नहीं बना कि कोई कह दे बस अब अवतारों को परीक्षा नहीं देनी है, हॉलमार्क स्टैंप लग गई, उनको हर आने वाले को परीक्षा देनी है, छोटे को, बड़े को, नए को, पुराने को, पता नहीं किसका स्वार्थ कहाँ क्या दिखा देगा, और ये भी नहीं पता कौन कितना साथ चलेगा, लेकिन प्राण सबके साथ फूकने पड़ते हैं। ये भी नहीं पता कौन कितना बढ़ेगा, कितना चलेगा, किसको कौन सी माया आकर्षित कर लेगी, कौन इतनी मेहनत लेके भी मिट्टी कर देगा, कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ अंधेरे में तीर चलते हैं, लेकिन शक्ति तो पूरी लगती है, प्राण तो पूरे लगाने पड़ते हैं, दम तो पूरा लगता है सबके साथ, मेहनत तो पूरी होती है एक एक के ऊपर,
कौन कितना सच्चा होगा, कितना ईमानदार होगा, सामने कुछ पीछे कुछ, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम। प्यार इसलिए दो किसी को कि आगे बढ़ेगा और अगला उल्टा मतलब ले जाए। किसी को सिर आंखों पे इसलिए बिठाओ भगवान का प्यारा बन जाए और अगला सिर पे ही चढ़ के बैठ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी भगवान हम सबके खातिर निरंतर चलता रहता है, निरंतर। एक क्रूसीफिकेशन हो गई, अगर काम खत्म हो जाता फिर भी आसान था, एक हॉलमार्क स्टैम्प बन जाती, चलो अब तार ने शूली चढ़ के देख दिया, अब खत्म कर दो काम। क्या तुमको लगता है क्राइस्ट एक बार क्रूसीफाई हुआ? 12 जो साथ रहते थे, दिन में कई बार क्रूसीफाई होता होगा, तभी लास्ट सपर पे, लास्ट डिनर जो था, खाने के बाद सबके पांव छूने लगे क्राइस्ट। सब शिष्य कह रहे, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों झुक रहे हैं? कहते हैं, आज तक क्या तुम झुकते आए हो? तुम जो बैठे हो, तुम 12 को यहां बिठाया है ना, मैं ही झुका तो तुम बैठ पाए। अगर मैं ना झुकता तुम नहीं बैठने वाले थे। तुम्हारे यहां बैठने के पीछे मेरा झुकना ही था। अगर 12 इर्द गिर्द थे, 12 अंग संग थे, 12 24 घंटे साथ थे, तो अगर दिन में 12 घंटे, रात के 12 घंटे, क्राइस्ट तो पता नहीं हर घंटे कितनी बार क्रूसीफाई होता होगा, एक एक के स्वभाव के साथ। अगर गुरु भी अड़ जाए तुम्हारे साथ, चल पाओगे? हर समय गुरु भी विरोध करे तुम्हारा, चल पाओगे? सोच के देखो। बहुत आसान है क्रिसमस मनाना, पहन लो लाल लाल कपड़े, घर सजा लो, बन गए सारे सेंटा क्लॉज। लेकिन जो क्राइस्ट को नहीं जानता वो सेंटा क्लॉज काहे का? जिसके जीवन में क्राइस्ट वाली कुर्बानी नहीं आई वो सेंटा क्लॉज काहे का? जो अपनी मैं कुर्बान करना जानेगा, खुशियां बांटना, तो वही सीखेगा। बाहर का तो वेशभूषा कोई भी धारण कर लो, टोपी मिल जाती है पहन लो, मुखौटा मिल जाता है पहन लो, हम भी क्राइस्ट है, हम भी क्राइस्ट है। अच्छा, रेड ड्रेस का फैशन हो गया आजकल, क्रिसमस पे सब लाल कपड़े पहन लेते हैं, सेंटा क्लॉज हो गए, दिल काली पड़ी है, वेशभूषा सेंटा क्लॉज की हो गई। वो नहीं, सेंटा क्लॉज वही हो सकता है जो पहले क्राइस्ट हो सकता है, जो कुर्बानी का पुल बन सकता है, जो अपनी इच्छाओं को आर पार छेद सकता है, जो अपने अहंकार को शूली चढ़ा सकता है। तुम बोलोगे ना, मैं एक थोड़ी देर बैठा, लेकिन ऐसे कितने लोग दिन में गुरु से मिलते हैं, एक एक की कसौटी पे खरे उतरते हैं। हर एक खुश होके जाता है जो आपके पास बैठा, हर एक के साथ मिटते हैं, हर एक के साथ कुर्बान होते हैं। छोटा दिन नहीं होता है आज का, तुम्हें लगता है बहुत छोटा दिन है, मैरी क्रिसमस मैरी क्रिसमस, तुम क्रॉस पे चढ़ा ही नहीं, मैरी क्रिसमस कैसे बोल रहे हो? क्योंकि तुम लोगों को आदत है अवतारों को शूली लटका के खुशियां मनाने की, तुम खुश हो जाते, दूसरों की कुर्बानी पे ऐश करते। कभी खुद लटक के देखो, पता चले शायद तुम्हें एक गुरु की कसौटियां पार करना भी कठिन होगा।
और महापुरुषों को देखो पूरी दुनिया की कसौटियां पार करते हैं और बिना शिकायत बिना शिकन नहीं लाते चेहरे पे, शिकायत नहीं करते कभी, सबकी कसौटियां पार करते हैं। और फिर दुनिया को क्या देते हैं, खुशबू। जैसे चंदन को काटा ना जिस कुल्हाड़ी ने, उसी को खुशबू से भर दिया उसने। फूल लेके हाथ में मसल दो, तुम तो फूल को नष्ट कर रहे हो, फूल तुम्हें खुशबू दे रहा है। ये अवतारों का स्वभाव होता है। तुम तो घर में कोई मर जाएगा तो उसको भी बड़ा उससे याद करोगे अफसोस से। और क्राइस्ट का क्रूसीफिकेशन भी लोग सेलिब्रेट करते, फर्क देख लो, उनकी कुर्बानी भी जश्न है लोगों के लिए। कोई बात नहीं, आई मे डाई दैट यू मे लिव, तुम्हें जीवन मिलता है, तुम्हें खुशी मिलती है, अरे उसके लिए मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं। ये उनके जीवन का मोटो होता है। तो जरूर आज के दिन अवतार को समझना, उसकी कुर्बानी को समझना। कभी अहंकार में मत आना, हमेशा उनकी शुक्र अदायगी में रहना, झुक के रहना, प्रेम में रहना, प्रेम में बंधे रहना। क्योंकि जब तुम अपने अहंकार में आ जाते हो तो भी अवतार को तकलीफ होती है कि मेरी कुर्बानी बेकार गई, मैं जो बनाना चाहता था ये वो ना बना, मैं जो गढ़ना चाहता था वो ना गढ़ा गया, अफसोस होता है। इसीलिए अपने को अभिमान से बचा के पूरी तरह अपने को भगवान के योग्य बनाना, भगवान के लायक बनना और उनकी कुर्बानी को सफल बनाना। ठीक है।